हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका एक SBI में खाता है और इसी के साथ में आप यहां पर ATM कार्ड यूज करते हैं जो कि इंटरनेशनल है, ठीक है, तो उसके आखिर जो ATM कार्ड का चार्ज है वो आखिर कितना है, यानी कि ग्लोबल कार्ड का, ठीक है। मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, अगर आप पे का खाता SBI में है और आप ATM कार्ड यूज करते हैं या फिर आपने इशू करा रखा है और आप उसे यूज ही नहीं करते हैं तो आपको यहां पर कौन कौन से नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। इसी के साथ में आपको यहां पर इस मॉल की स्क्रीन है, आपको बराबर में शो हो रही है, आपको ऊपर वाले मैसेज में देखने को मिल गया है डियर कस्टमर योर अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट नंबर देखने को मिलना है, लास्ट के 6 अंक इसी के साथ में हैव ए डिवाइडेड बाई ट्रांसफ़र ऑफ RS, यानी कि 147.50 पैसे हैं जो कि आपके पैसे कटे हैं यहां पर 9 तारीख 2/2024 में, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं ये आपको पता ही होगी, अगर आप आज ही इस वीडियोस को देख रहे हैं 2024 में, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ATM कार्ड को लेकर एक कुछ नया रूल यहाँ पर चेंज हुआ है। अब जो आपके पैसे हैं वो यहाँ पर 147 रुपये नहीं कटेंगे, आपके कटेंगे 236 रुपये एक ATM कार्ड यूज करने के सालाना चार्ज, ठीक है, चूँकि आपको देने ही होंगे अगर आप SBI का ATM कार्ड यूज करते हैं तब, ठीक है। वो भी चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ किस तरीके से आपके पास मैसेज आएगा, जो कि मेरे भी पास यहाँ पर आया है, ठीक है, जो कि पैसे करते हैं 236 रुपये वो आप यहाँ पर देख सकते हैं डियर कस्टमर योर अकाउंट, उसके बाद में अकाउंट नंबर, इसी के साथ में डिविडेंड और INR यानी कि इंडियन रुपया, और इसी के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है 236 रुपये, ठीक है। इसी के साथ में 23/4/2024 में, ठीक है, और इसी के साथ में कौन से डेबिट कार्ड के आपके पैसे कटे हैं, आपने कौन सा जो डेबिट कार्ड है वो ले रखा है, तो वो भी आपको यहाँ पर लास्ट के 4 अंक देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बता दूँ ये जो कार्ड है मैंने यहाँ पर ये बंद करा दिया है क्योंकि मेरे पास 2 कार्ड थे, एक कार्ड को ही मैं यूज कर रहा था और उसके बाद में एक कार्ड का मुझे पता ही नहीं था, मुझे था पता कि मैंने हाँ ब्लॉक करा रखा है, ठीक है। अगर आपके पास 2 कार्ड हैं, अगर आपने एक ब्लॉक करा रखा है तो आपके उस कार्ड के पैसे यहाँ पर आपको देने नहीं होंगे जो ब्लॉक करा रखा है, ठीक है। जो कार्ड आप यूज करते होंगे, जो भी आपका एक्टिव कार्ड होगा, उसी के ही आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। आप अगर 2 कार्ड यूज करते हैं, दोनों ही कार्ड अगर आपके एक्टिव हैं तो दोनों ही कार्ड के आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मेरे भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो जो मैंने आपको पहले वाला मैसेज दिखाया वो भी यहाँ पर 2024 में ही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उसकी अमाउंट पे हुई 147 रुपये, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दूसरा वाला जो ATM कार्ड है तो यहाँ पर 236 रुपये हैं, ठीक है। तो मैं अब चलिए आपको ये भी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि साल में यहाँ पर क्या हम अरे जो पैसे हैं 2 बार कटे हैं वो 2 बार नहीं कटे हैं, मैं 2 ATM यूज करता हूँ और अलग अलग डेट में इशू हुए थे तो अलग अलग डेट में ही जो अमाउंट है वो कटी है, ठीक है। इसी के साथ में पहले था कि आपको जो पैसे थे वहाँ पर 147.50 रुपये पे करने पड़ते थे सालाना, ठीक है, अगर आप ATM कार्ड यूज करते हैं तब, पर अब ऐसा नहीं है। 2024 में 1 अप्रैल से इन्होंने यहाँ पर लागू कर दिया कि आपको यहाँ पर 236 रुपये देने होंगे, जो कि इसमें 18% GST होती है, जो कि गवर्नमेंट ने जब यहाँ पर यानी कि बैंक के ऊपर यहाँ पर जो कि नियम लागू किए हैं तब फिर उन्होंने अपने ऊपर नियम लागू कर दिए हैं, क्योंकि बैंक वाले घर से नहीं पे करेंगे तो यहाँ पर GST वगैरह लगाकर यहाँ पर 236 रुपये हो जाते हैं। अगर आप एक ATM कार्ड यूज करेंगे तो आपको 236 रुपये सालाना पे करने ही होंगे, तभी आप ATM कार्ड को यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये कोई यानी कि गलत चार्जेस नहीं है बैंक की तरफ से, ये एकदम बिल्कुल सही चार्जेस है, पर GST वगैरह लगाकर यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है। लगभग इन्होंने 90 रुपये यहाँ पर बढ़ा दिए हैं अगर आप एक कार्ड को यूज करते हैं तब। आप यहाँ पर जोड़ ही सकते हैं कि आखिर आपको कितने रुपए पड़ गया, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ, जैसे कि 236 रुपये है, भाग कर देते हैं 365 से, तो लगभग यहाँ पर 64 पैसे पर डे यहाँ पर पड़ जाता है आपको कार्ड, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है जो कि आपके पैसे कटे हैं इस चीज़ को लेकर, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।